स्वामी विवेकानंद की जयंती पर ब्राइट एंजल स्कूल में दिलाई गई शपथ। जिला विद्यालय निरीक्षक रहे मुख्य अतिथि। जिला विद्यालय निरीक्षक अचल कुमार मिश्रा ने एक युद्ध नशे के विरुद्ध विषय पर सभी को दिलाई शपथ। जनपद कानपुर देहात के कस्बा अकबरपुर में स्थित ब्राइट एंजल स्कूल में स्वामी विवेकानंद तथा सुभाष चंद्र की जयंती बड़े धूमधाम से मनाई गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता विद्यालय के प्रबंधक बलबीर सिंह ने की और कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला विद्यालय निरीक्षक अचल कुमार मिश्र हैं, जिन्होंने दोनों महापुरुषों की तस्वीर पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित किया और वहीं छात्राओं को नशे से मुक्त रहने के लिए एक युद्ध नशे के विरुद्ध विषय पर शपथ दिलाई गयी। शपथ लेते हैं कि हम आजीवन किसी भी प्रकार का नशा नहीं करेंगे, साथ ही अपने परिजनों मित्रों एवं परिचितों को नशा न करने के लिए प्रेरित करेंगे। हम यह भी शपथ लेते हैं कि नशे में संलिप्त व्यक्तियों को नशा छोड़ने के लिए जागरूक करेंगे। जय हिंद जय भारत। यह शपथ आपने ली है, इसका महत्व आप जानते हैं और मैं यहाँ का के पूरे स्टाफ, हमारे प्रबंधक जी, हमारे प्रिंसिपल मैडम, आप और आपका जो शैक्षणिक स्टाफ है, गैर शैक्षणिक स्टाफ है और आपके प्रति आभार प्रदर्शित करेंगे कि इस ऐसे मौसम में आपने एक अच्छी शपथ ली। और ये हमारा कार्यक्रम कब तक चलेगा? ये हमारा 23 जनवरी तक चलेगा, ठीक है? तो आप रोज प्रार्थना में इसको भी ऐड कर लेंगे शपथ को, ताकि आपको पूरा ध्यान रहे। हमें लगा बच्चों को छोड़ दिया है। उक्त मौके पर विद्यालय के प्रधानाचार्य पुष्पांजलि महाकुंड ने मुख्य अतिथि को पुष्प देकर स्वागत किया तथा छात्र छात्राओं के साथ मिलकर के नशा से मुक्त रहने के लिए शपथ ली और भरोसा दिलाया कि प्रत्येक छात्र एक एक व्यक्ति को नशा छुड़वाने का प्रयास करेगा। विद्यालय के प्रधानाचार्य पुष्पांजलि महाकुंड ने सभी अतिथियों का धन्यवाद अदा किया। न्यूज उत्तर प्रदेश चैनल से ब्यूरो चीफ इंदु गुप्ता की रिपोर्ट। विद्यालय में किस विषय को लेकर कार्यक्रम संपन्न हुआ? आज हमारे विद्यालय में नेताजी सुभाष चंद्र बोस एवं स्वामी विवेकानंद जी की जयंती मनाई गई है और इस अवसर पर हमारे विद्यालय प्रांगण में आज जिला विद्यालय निरीक्षक अचल कुमार मिश्रा जी उपस्थित रहे और उन्होंने दोनों नेताओं के प्रतिमा के ऊपर माल्यार्पण किया। इसके अलावा एक युद्ध नशे के विरुद्ध बच्चों को अवगत करवाया और उनसे शपथ ग्रहण करवाया।